व्हाट इज अ मैनुअल क्लेम? आपने सुना होगा कॉपीराइट क्लेम, आपने सुना होगा कॉपीराइट स्ट्राइक, आपने सुना होगा टेक डाउन, लेकिन मैनुअल क्लेम भी होता है. अ मैनुअल क्लेम इज अ सेंट is sent to you when a copyright owner identifies their content has been used without their permission. आप किसी के content को बिना permission के जब आप use करते हैं तो वो आपको claim manually देता है. A manually claim is different from automated content ID claim, जो कि content ID claim से different होता है. Content ID claim is generated when upload video match another video in our content ID system. YouTube का एक अपना सिस्टम है जो कंटेंट आईडी को मैच करता है, और अगर कंटेंट आईडी मैच हो जाता है तो आपको कॉपीराइट क्लेम मिलता है, कंटेंट आईडी क्लेम मिलता है. द मैनुअल क्लेमिंग टूल इज यूज बाय अ कॉपीराइट ओनर. अब कोई कॉपीराइट ओनर है तो वो मैनुअल टूल को यूज करके आपको क्लेम दे सकता है. मैनुअल क्लेम मस्ट इंक्लूड एक्यूरेट टाइम स्टैम्प टू शो एग्जैक्टली वेयर द क्लेम कॉन्टेंट इज इन योर वीडियो. तो वो उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे वो चीज़ आपकी कंपेयर करता है जो उसका अपना बनाया हुआ है, और उस टाइम स्टैम्प पे वो मैनुअली क्लेम दे सकता है मैनुअल क्लेमिंग टूल को यूज़ करके. कॉपीराइट ओनर कांट यूज़ द मैनुअल क्लेमिंग टूल फॉर एनी अदर पर्पस, लेकिन उस टूल को वो और किसी काम के लिए नहीं यूज़ कर सकता. Improperly claiming content they don't own the right to can result in a penalty including legal liability and partnership termination. लेकिन अगर कोई गलत क्लेम देता है तो उसकी पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाती है और लीगली लाइबल नहीं होता वो. हाउ डू आई नो इफ माई वीडियो हैज अ मैनुअल क्लेम? अब हमको कैसे पता लगे कि हमारे वीडियो में मैनुअल क्लेम है कि नहीं? When a copyright owner claim your video, you will get the email from YouTube. जब भी आपको manual claim मिलेगी तो email आपको मिल जाएगी copyright claim की. To find more detail about the claim on your video, और अब तो आप उसका और detail find out कर सकते हैं. जिसके लिए आपको YouTube studio में जाना पड़ेगा, content में left menu से जाना पड़ेगा, फिर restriction column में जाना पड़ेगा. वहाँ पर वीडियो क्लेम आया होगा तो वो कॉपीराइट क्लेम दिखाएगा. वहाँ पे आपको उसमें सी डिटेल पे क्लिक करिएगा जब, तो वो आप दिखाएगा वो कि आपका मैनुअल क्लेम है कि कॉपीराइट क्लेम है कि कंटेंट आईडी क्लेम है. जिस तरह का क्लेम होगा वो उसको दिखाएगा. क्लिक द डाउन एरो टू एक्सपेंड द क्लेम डिटेल, और फिर वहाँ पे आपको सारे डिटेल दिखेंगे. कॉन्टेंट मैनुअली आइडेंटिफाई बाई क्लाइंट If it is manual claim. और ये manual claim जो होता है, जो जिसका content होता है वही आपको देता है. Under the content found during a section, click the timestamp to play the segment the copyright owner claim. और जिस timestamp पे, जिस जगह से जिस जगह तक वो आपको claim देता है, वो आप run करके देख सकते हैं कि वो सही claim दे रहा है कि नहीं दे रहा है. Claim who repeatedly select an accurate timestamp may have their access to manual claiming revoked, or if applicable have their partnership terminated. अगर वो आप claim जिसने दिया वो अगर गड़बड़ है तो वो timestamp पे तो आपकी claim हट जाएगी और उसकी partnership खत्म हो जाएगी जिसने claim दिया है. If you believe the timestamp claim in your video are inaccurate, you can Get in touch with support about the claim. अगर आपको लगता है कि जो क्लेम उन्होंने दिया वो गलत है तो आप सपोर्ट टीम के पास जाकर क्लेम को हटाने के लिए बोल सकते हैं. यू कैन ऑल्सो फिल्टर टू गेट लिस्ट ऑफ वीडियो दैट हैव क्लेम ऑन देम बाय क्लिकिंग फिल्टर कॉपी क्लेम. और कॉपीराइट क्लेम जहाँ पे आता है वहाँ फिल्टर करके आप उसको देख सकते हैं. वॉट कैन आई डू इफ माई वीडियो हैज अ मैनुअल क्लेम? अब मैनुअल क्लेम है तो हमको क्या क्या करना चाहिए? डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू हैव फ्यू ऑप्शन इफ योर वीडियो हैज अ मैनुअल क्लेम. अब इसके लिए आपके पास तीन सिचुएशन है. या तो आप कुछ ना करिए. इफ यू एग्री विद द क्लेम यू कैन लीव इट एज इज. यू कैन ऑल्सो चेंज योर माइंड लेटर, या बाद में आप उसको चेंज भी कर सकते हैं.
शेयर रेवेन्यू, जो जिसका सामान यूज़ किया है उससे आप रेवेन्यू शेयर करिए, वो आपसे रेवेन्यू ले लेगा अपनी चीज़ें यूज़ करने के लिए। मान लीजिए आपने म्यूज़िक यूज़ किया है तो उसका वो रेवेन्यू मांगेगा। डिस्प्यूट द क्लेम, या आपको लगता है कि जिसने क्लेम किया वो गलत है और कंटेंट आप ही का है, तो आप उसको डिस्प्यूट कर सकते हैं, आप उसको क्लेम कर सकते हैं कि नहीं ये मेरा है। द कंटेंट ओनर में रिक्वेस्ट अ टेक डाउन ऑफ योर वीडियो, लेकिन अगर आप गलत हैं और आपका क्लेम गलत है और जो कंटेंट आईडी जिसका है वो अगर आपको कहता है कि आप अपना वीडियो हटाइए, तो आपको वो वीडियो हटाना पड़ेगा। अदरवाइज कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक आ जाएगी। इफ यू गेट अ वैलिड टेक डाउन रिक्वेस्ट फॉर योर वीडियो, योर अकाउंट विल बी गेट अ कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक, तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाएगी। अब आया, यू कैन ऑल्सो रिमूव क्लेम कॉन्टेंट विदाउट हैविंग टू अपलोड अ न्यू वीडियो। अब जो वीडियो आपने अपलोड किया है उसको फिर से ना बना के उसका कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हैं आप। इफ डन सक्सेसफुली एनी ऑफ द ऑप्शन बिलो विल ऑटोमेटिकली रिलीज द एसोसिएटेड क्लेम। आप या तो उसको उस पोर्शन को ट्रिम कर दीजिए, हटा दीजिए, या तो अगर ऑडियो आपने यूज किया तो उसको सॉन्ग को बदल दीजिए, या उस सॉन्ग को म्यूट कर दीजिए, और टेक्स्ट अगर यूज किया है तो उतने पोर्शन को आपको डिलीट करना पड़ेगा, उतने पोर्शन को ट्रिम कर दीजिए, और या तो फिर पूरा नया वीडियो बना लीजिए। यही सलूशन है, इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है। बेटर ये है कि किसी का कंटेंट आदमी कम यूज करे, जो जितना जरूरत भर का है, टीचिंग पर्पस के लिए है, उतना ही यूज करे। So thank you viewer, this is all today. If you like it, please share and subscribe and must comment on my video. Thank you.